हाय स्टूडेंट, मैं इस सेशन आपके लिए जी याद रखिएगा मेरे लाडलो जीएस का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और उसी पे चर्चा करने वाले हैं जी। तो याद रखिएगा कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जी। याद रखिएगा राजा हर्षवर्धन की बात की जाए, दो सवाल से पूछता है कि दरबारी कवि कौन था या इसके शासन काल में कौन यात्री आए थे। किसके शासन काल में? राजा हर्षवर्धन के। हाँ, तो राजा हर्षवर्धन के शासन काल में याद रखिए मेरे लाडलो हेनसांग यात्री आए थे। कौन आए थे? हेनसांग यात्री आए थे जी। और याद रखिएगा कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो बाण भट्ट थे। कौन भट्ट थे? बाण भट्ट। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है याद रखिएगा CO2 तथा C2H5OH। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की थी? याद रखिएगा चार्ल्स लुई। क्या नाम बोले? चार्ल्स लुई जी। द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक, देखिए द गीता फॉर चिल्ड्रेन, क्या बोले? द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक की रचना किसने किया? रूपा पाई। क्या नाम बोले? रूपा पाई। मैथ कैसे पढ़ते हैं? पाई 22/7। तो याद रखिएगा रूपा पाई। क्या बोले? रूपा पाई जी। किसके शासनकाल में भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किए गए थे? किस याद के गवर्नर के शासनकाल में भारत में सबसे पहले डाक टिकट को जारी किया था? याद रखिएगा मेरे लाडलो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके बोले? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में याद रखिएगा भारत में पहली बार डाक टिकट को जारी किया गया था। किस नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते? याद रखिएगा कि वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं जी, सिग्नेचर करते हैं। कितने रुपए के नोट पे? 1 रुपया के नोट पे क्या करते हैं? सिग्नेचर करते। कौन? वित्त मंत्रालय के सचिव। क्वेटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था? याद रखिएगा क्वेटो प्रोटोकॉल 2005 में अमल में लाया गया था। सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? याद रखिएगा 44 गुणसूत्र प्लस XX। क्या बोले? 44 गुणसूत्र प्लस XX। हाँ, ऐसे तत्व, केमिस्ट्री का सवाल है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या होगा? भिन्न भिन्न होता है तथा द्रव्यमान समान होगा। द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा। उसे क्या कहते हैं? तो संभारी कहते हैं। क्या कहेंगे? संभारी कहते हैं। और याद रखिएगा मेरे लाडलो एक करंट अफेयर्स का सवाल है कि हाल ही 2020 में है ना 30 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, कौन सा दिवस बोले? याद रखिएगा 30 सितंबर को। कितना सितंबर बोले? 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो याद रखिएगा संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। किसकी तलाश करना? शब्दों की तलाश करना। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपरिगन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा रासायनिक विकास से संबंधित है। किससे बोले? रासायनिक विकास। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक को, किस मुगल सम्राट को, किस मुगल राजा को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो याद रखिएगा मेरे लाडलो बहादुर शाह जफर। क्या नाम बोले? बहादुर शाह जफर। जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर को ही क्या कहा जाता था? बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बहादुर शाह द्वितीय। इसी को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था जी। बास जल संधि तस्मानिया को किससे अलग करती है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। किससे अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या बोले? कैनबरा। विशेष आहरण अधिकार किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। किससे बोले? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। लोहे के पाइपों को संचारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाए जाते हैं, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? देखिए कि कोई भी धातु को जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं? पेंट करते हैं, जस्तीकरण करते हैं, यसत लेपन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी धातु को पेंट क्यों करते हैं? सुंदरता को दिखने के लिए और जंग लगने से बचाने के लिए। तो उसको बोलते हैं गैल्वेनोकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोकरण बोलते हैं। अपने जीनोम के डीएनए संस्करण के होस्ट सेल
डीएनए में डालने के लिए एचआईवी के एंजाइम को कहा जाता है इंटीग्रेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीग्रेज कहा जाता है। यदि आप हमारे चैनल में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, थैंक यू।